आज की वीडियो के अंदर मैं बात करूंगी कि ग्लिटर कैसे लगाते हैं और शिमर कैसे लगाते हैं, है ना। क्योंकि ग्लिटर लगाने का तरीका बहुत अलग होता है और शिमर लगाने का तरीका बहुत अलग होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो डार्क ब्राउन शेड लिया है और उसको मैं अपने आउटर कॉर्नर और क्रीज लाइन पे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। इससे आपके आई का लुक डिफाइन होगा और आँखें बहुत बड़ी बड़ी दिखेगी, है ना। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे डार्क ब्राउन एंड रस्टी ऑरेंज शेड लूँगी एंड अगेन आउटर कॉर्नर और अपने क्रीज लाइन के अंदर अच्छे से उसको मैं ब्लेंड करूँगी। आपको ब्लेंडिंग में कोई भी कमी नहीं करनी है, बिकॉज जितने अच्छे से ब्लेंड करोगे उतना अच्छा आपका आई मेकअप होगा। अब मैं यहाँ पे ब्यूटी ग्लेस्ट का आई शेडो पैलेट ले रही हूँ। इसके अंदर से मैं एक ब्राइट येलो शेड ले रही हूँ एक फ्लफी ब्रश से। अब आपको क्या करना है कि अगर आप ब्लेंड करोगे जैसे कि मैं कर रही हूँ, तो आपका कलर पिक ही नहीं होगा, आपका कलर दिखेगा ही नहीं आँखों पे। आपको क्या करना है, बस कलर को लेना है और उसको पैट करना है, यानी रख देना है और धीरे 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 उसको ब्लेंड करना है, क्योंकि ज़्यादा फास्ट ब्लेंड करोगे तो कलर नहीं दिखेगा, है ना। अब मैंने फ्लफी ब्रश के अंदर येलो शेड लिया और उसको बस मैं पैट कर रही हूँ। और पैट आपको चारों तरफ करना है ताकि वो ब्लेंडेड लुक दिखे, लेकिन वो ब्लेंडेड होगा नहीं एंड बहुत ही क्लीन लुक दिखेगा अगर आप ऐसे करोगे तो। अब मैं यहाँ पे सेकंड प्लेट, इसके अंदर टोटल 4 प्लेट्स होती है, तो मैं इसके अंदर सेकंड प्लेट के अंदर एक डार्क येलो कलर है जो उससे ज़्यादा डार्क है, और जो कलर उससे ज़्यादा डार्क है उसको भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग आपको धीरे धीरे करनी है, लेकिन ब्लेंडिंग ही की है आई मेकअप का, तो जितने अच्छे से ब्लेंड करोगे उतना सुंदर आपका आई मेकअप आएगा। अब आप देख रहे हो कि सब जगह येलो येलो हो गया है, तो मेरी जो क्रीज लाइन है वो छुपी गई है, मतलब जो मेरा ट्रांजेक्शन शेड है वो छुप गया है। तो मैं क्या करूँगी, अगेन उसी सेम ब्रश से मैं एक डार्क ऑरेंजिश ब्राउन कलर लूँगी और उसको मैं अपने एज अ ट्रांजेक्शन शेड को मर्ज करूँगी। अब इससे मेरी आँखें बड़ी भी दिखेगी और सुंदर भी लगेगी। अब सेम मैं दूसरी आई में भी करूँगी। बस आपको ब्लेंडिंग पर बहुत अच्छे से ध्यान करना है ना, ध्यान देना है। अब मैं येलो और एक ऑरेंज कलर को लूँगी। अब इसको भी मैं अपने आई के आउटर कॉर्नर से लेकर मिड तक अच्छे से ब्लेंड करूँगी। इससे मेरा आई लुक और ज़्यादा डिफाइन होगा, आँखें और ज़्यादा डिफाइन होगी एंड बहुत ही प्यारा एक रस्टी ऑरेंज एंड येलोइश काइंड ऑफ शेड दिखेंगे। अब मैं एक शिमर शेड ले रही हूँ जो कि जनरली फ्लैट आई शेडो ब्रश से ले रही हूँ, है ना, क्योंकि शिमर जनरली फ्लैट आई शेडो ब्रश से ही लगाया जाता है। कभी भी आप फ्लफी ब्रश से मत लगाना, क्योंकि फिर वो ब्लेंड नहीं होगा, सेकंड उठकर नहीं आएगा। और अगर आपको लगता है कि आपका शिमर सिर्फ रखा हुआ है, वो ब्लेंडेड नहीं दिख रहा है, तो मैं कैसे ब्लेंड करूँ, तो आप सेम फ्लैट आई शेडो ब्रश से ब्लेंड भी कर सकते हो, नहीं तो फ्लफी ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हो, है ना। मैं तो क्या करती हूँ, मैं तो फ्लैट आई शेडो ब्रश से ही ब्लेंड कर देती हूँ, क्योंकि उससे लुक बहुत ज़्यादा क्रिस्प शार्प एंड बहुत ही ब्यूटीफुल आता है। अब मैं ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ। ग्लिटर अप्लाई करने के लिए कभी भी आपको फ्लैट आई शेडो ब्रश नहीं लेना है, क्योंकि ग्लिटर के पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं अकॉर्डिंग टू शिमर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सबसे पहले ग्लिटर ग्लू अप्लाई करूँगी। कभी भी आपको डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है जैसे कि आप शिमर करते हो। अब ग्लिटर लगाने के बाद में आपको 4 से 5 सेकंड तक का वेट करना है, देन आपको ग्लिटर अप्लाई कर लेना है ना, क्योंकि ग्लिटर के पार्टिकल्स बड़े होते हैं, इसलिए हम फ्लफी ब्रश लेंगे ताकि उसका भी ब्लेंडेड लुक आए, क्योंकि ब्लेंड करना ही एक की होता है आपका आई मेकअप सुंदर दिखाने का। तो शिमर पार्टिकल्स सॉरी ग्लिटर पार्टिकल्स काफ़ी बड़े हैं, तो जब मैं ग्लिटर को अप्लाई करूँगी ना फ्लफी ब्रश से, या एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि थोड़े अमाउंट में आएगा, ठीक है, एंड सेकेंड वो फ्लफी ब्रश की हेल्प से थोड़े थोड़े दूर दूर लगेंगे, जिससे कि क्या होगा कि एक बहुत ही नीट एंड क्लीन लुक आएगा। अगर आप सेम ग्लिटर फ्लैट आई शेडो ब्रश से लोगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा पैची और बहुत ही ख़राब लुक दिखेगा। आप चाहो तो डायरेक्ट इनर कॉर्नर से भी ग्लिटर अप्लाई कर सकते हो। मैंने बेसिकली, मुझे शिमर और ग्लिटर में फ़र्क दिखाना था, इसलिए मैंने इनर कॉर्नर में शिमर लगाया एंड देन मैं मिडल में ग्लिटर लगा रही हूँ।
आप चाहो तो इनर कॉर्नर से लेकर मिड तक टोटल शिमर लगा सकते हो, फिर टोटल ग्लिटर भी लगा सकते हो। अब मैंने सेकंड आई के अंदर भी 2-3 सेकंड तक सुखाया ग्लिटर ग्लू को एंड देन उसको ग्लिटर लगा लिया। आपको लोअर लैश लाइन कभी भी नहीं भूलनी है। मैंने यहाँ पे डार्क ब्राउन शेड लिया है और उसको मैं अपने आई के लोअर लैश लाइन के आउटर कॉर्नर में अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी, क्योंकि अगर आपने ऊपर वाला आंखों को सजा दिया और नीचे वाली लोअर लैश लाइन को अगर आपने छोड़ दिया है तो आपका पूरा लुक कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत ही अधूरा अधूरा लगेगा, है ना। उसको ब्लेंड करना बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि लुक बहुत अच्छा उभर कर आएगा। फिर मैंने अगेन डार्क थोड़ा सा ब्लैक शेड लिया है और उसको मैं आउटर कॉर्नर और ऊपर की तरफ से ब्लेंड कर दूंगी, ताकि लुक और ज़्यादा शार्प आए और आंखें भी बड़ी दिखेगी, है ना। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आईलैशेस लगा रखी है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बट मैंने ग्लिटर लगाया ना तो फिर डायरेक्ट मस्कारा में वो इफेक्ट नहीं आता है, इसलिए मैंने फॉल्स लैशेस लगा रखी है। अब मैंने एक अगेन शेडर ब्रश से लेकर जो शिमर था ना, एक गोल्डन हाइलाइटर ले लो या गोल्डन शिमर ले लो, वो मैंने इनर कॉर्नर पे लगा लिया इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए। इससे भी आंखें बड़ी आएगी, बड़ी बड़ी लगेगी। एंड मस्कारा लगाना भी बहुत ज़रूरी है अगर आपने लैशेस लगा रखी है तो, ठीक है, क्योंकि क्या होगा, नहीं तो आपकी जो नेचुरल जो लैशेस हैं, जो नेचुरल जो पलके हैं वो अलग दिखेगी और आपकी फॉल्स लैशेस अलग दिखेगी, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना, गंदा लगेगा बहुत। मस्कारा अच्छे से टाइम लेके लगाना है आपको, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे से अच्छे से लगाना है। और लोअर लैश लाइन में भी मस्कारा लगाना है, क्योंकि वहाँ पे तो हम फॉल्स लैशेस नहीं लगा सकते ना, तो वहाँ पे और अच्छे से ध्यान देके मस्कारा लगाना है। आई मेकअप अगर आप बिगनर हो, थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, लेकिन ट्रस्ट मी, आप अगर प्रैक्टिस करोगे या फिर आप करने लग जाओगे ना, तो आप इतना अच्छा मेकअप करना स्टार्ट कर दोगे कि मैं क्या ही बताऊँ। जो भी मेरा लेफ्ट ओवर था ना, वो मैंने आईब्रो में भी लगा दिया, क्योंकि ऑलरेडी मेरा आईब्रो बहुत डार्क है तो मुझे नीड नहीं पड़ती उतनी। और मैंने क्या करा, यहाँ पे आईलाइनर लिया है और आईलाइनर से मैं क्या करूँगी, अपनी जो फेक लैशेस है ना, उसका जो बैंड दिखता है वो बड़ा ही गंदा लगता है, तो बस उसको हाइड करने के लिए मैंने यहाँ पे लाइनर लगाया। अगर आप सिर्फ मस्कारा लगा रहे हो तो लाइनर स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि मस्कारा से वो ऑलरेडी फैक्ट आ जाता है। आप चाहो तो प्रॉपर लोअर लैश लाइन में काजल भी लगा सकते हो, मैंने यहाँ पे काजल स्किप कर दिया, क्योंकि मुझे समर्स के अंदर ज़्यादा काजल लगाना पसंद नहीं है। अब मैं हाईलाइट करूँगी अपने फेस को, मैंने पिंक और गोल्डन हाईलाइट मिक्स करा है, क्योंकि मुझे येलो के साथ में थोड़ा पिंक एंड पीचिश काइंड ऑफ हाईलाइट बहुत प्यारे लगते हैं, तो बस मैं थोड़े थोड़ा ही करूँगी, एकदम ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी आईज पर भी ग्लिटर है, फिर ज़्यादा ग्लोइंग स्किन होगी तो थोड़ी मुझे पर्सनली कम पसंद है ऐसा। तो अब बस मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी दोनों गालों पे, फेस पे, ब्रिज ऑफ नोज पे, चिन पे, हर जगह। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक किए बिना मत जाना। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी बात हो, कोई भी सवाल हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मेरा नाम कोमल है, बाय बाय।